हुण जे सियासत की गल कर लीए तो मोदी साहब पंजाब दे विच आए सीगे 11 तरीक नूं मलोट दे विच रैली नूं संबोधन किया। वाहवा कोशिश की गई सी तीन सूबिया के लोगों को इकट्ठा करके किसान कल्याण रैली करन दी गल कही गई सी और कल्याण तो अपना ही करना सीगा क्योंकि वह उन्नी बहुत नज़दीक आ रहा तकरीबन 8 महीनों का समा रहिंदा आ 19 दीआं चोणां दे विच लोक सभा दीआं दे विच जिहदे विच 2 महीने का असीं चोण प्रचार लई कढ दिंदे आ ते फिर बचदे आ 6 महीने। सो चोण प्रचार हुण तों ही आरंभ हो गया और उन्हां दे जाण तों बाद मोदी साहब दे बहुत सारे नुकते इस वेले सामने आ रहे। भगवंत मान ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के उत्ते टिप्पणी करदे आ क्या गल्लां दा कड़ाह बना के गए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी। उन्होंने अकाली दल नूं सवाल किया कि भाई धन्नवाद रैली कहिंदे सीगे कि असीं धन्नवाद किया आ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दा कादा धन्नवाद किया कि किसान खुदकुशियां कर रहे आ। नाल ही उन्होंने कहा कि अपने भाषण दे विच प्रधानमंत्री ने ना किसान खुदकुशियां दी गल कीती ना नशियां दी गल कीती ना स्वामीनाथन रिपोर्ट की गल की ना पंजाब नूं किसे किस्म दे किसे स्पैशल पैकेज की गल की ना पंजाब दे किसानां दी कर्ज माफ़ी की गल की ते फिर कह के की गया आ। नाल लगदे हथ नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने भी इसे तरीके की प्रतिक्रिया दी है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी जिहड़े ने वह जुमले बोलिया करते सीगे जुमले बोल के गए तो आने वाले समय से भी सिर्फ जुमले ही बोलते रहेंगे। जुमलेबाज उन्होंने करार दिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां नूं और बीबा हरसिमरत कौर बादल उन्होंने बचा दे विच आ गई है मोदी साहब दे। बीबा ने कांग्रेस नूं कैप्टन सरकार नूं सीधे तौर पर चेतावनी दिंदे कहा कि तुसीं कहिंदे आ कि 200 रुपया जिहड़ा झोने का मुल वधाया वह ना काफ़ी है तो जे तुहानूं लगता कि घट वधाया तो फिर वह कहिंदे 100 रुपया बोनस दे दिओ तो जे 200 झोने ते वधाया तो कपाह ते वह कहिंदे तकरीबन 1100 रुपए का वाधा किया गया उहदे ते तुसीं 200 रुपए का बोनस दे दिओ। मसला देसराज काली जी यह नहीं है कि बयानबाजियां का सिलसिला शुरू हो गया। मसला यह है कि असी पहले दिन भी गल की सी कि प्रधानमंत्री होरां दे भाषण दे विचों निकलिया कुछ नहीं है मैं तू तू तो या फिर कांग्रेस इस तो अलावा कुछ नहीं है मैं अपने आप नूं करदे रहे तू तू बादलों कहिंदे रहे कि तुहाडा करके सारा कुछ होया ते बाकी कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है पिछले 70 सालों से असीं गल की सी कि अपनी वाजपेई सरकार नूं भी पूंजा फेर जांदे आ कि 70 सालों कुछ होया ही नहीं क्योंकि 5-6 साल उन्हां दी सरकार भी जिहड़ी आ उह सत्ता दे विच रहिंदी है। पर इहदा इक नुकता होर मैं थोड़ा जिहा नाल जोड़ना चाहुंदा आ असीं लंगर की गल की सी बेअदबी हुई पगड़ी की गल की सी बेअदबी हुई पर यह पता लगा कि उत्थे जिहड़ियां पीण वाले पानी दीआं थैलियां वंडियां गईआं सीगीआं जिहनूं कह सकदे कि जिहड़ा असीं बोतलां च बंद पानी पीने आ उहदे मुकाबलतां दित्ता गया सीगा उहनां थैलियां ते जिहड़ी उत्थे पईआं मिलीआं बाद च ना बैच नंबर है ना एक्सपायरी डेट लिखी हुई है और यह भी लिखा गया यूज फॉर माउथ वॉश जाने के मूँह धोण दे काम आउण वाला पानी लोगों नूं पिलाया गया उत्थे। बहुत जसवीर मैं आपां पहला भी विचार की सी और हुण भी जिहड़ा लगातार इस रैली दे उत्ते एक किस्म की डिबेट ही शुरू हो गई है लोगों के गल्लां मूहों तू ही फेसबुक सोशल मीडिया अदरवाइज भी इन मीडिया भी ईवन इन प्रिंट एंड इलैक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव गया इस रैली का। संकट यह है कि तुसीं संबोधन जिस इशू नूं कर रहे हो उस इशू दियां पेचीदगियां होर ने उस इशू दे फोड़ा किते होर है इलाज तुसी किते होर कर रहे हो बल्कि इलाज कर ही नहीं रहे एवी गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़ने वाली गल आ जिहड़े कर रहे ने जिदा तुरे जांदे कहदे कोई ना कोई ठीक हो जाएगा बस यही है नथिंग और वह पस नाल भरिया होया लोगों के हर एक दे किते ना किते वह है बॉडी के उत्ते हर एक दे है आया वो खेत मजदूर है आया वो किसान है छोटा किसान है ईवन बड़ा किसान भी जे है तो किते ना किते टस टस की आवाज़ जिहड़ी है ना उहदे किते अंदर धड़कती रहिंदी है धुखदी रहिंदी है उहदा धुआं सानू दिखाई दिंदा आ खुदकुशियां दे रूप च दिखाई दिंदा बल्कि भयानकता उहदी इन्नी है कि वह खुदकुशियां दे रूप दे विच दिखाई दिंदा रोज़ देखदे ने वह कैंसर दे रूप च दिखाई दिंदा वह छोटे बच्चों के मंदबुद्धि पैदा होने च दिखाई दिता वह छोटे बच्चों के अंडर डिवेलप्ड पैदा होने के रूप दे विच पंजाब च दिखाई दिता वह धरती जमीन कैंसर हो जाने के रूप च बंजर हो जाने के रूप च दिखाई दिता है वह पानी धरती हेठले पानी की तगी दे गर्क जाने दे विच दिखाई दिता है 400 फुट तक डूंगा चले जाने तक
दिखाई दिंदा है। सो वो सारी दियाँ सारियाँ जिन्नियाँ अलामतां ने डायरैक्ट फेस कर रहे हैं असी, तो सानू लोगां नूं आवाम नूं तुसीं जे एवें सुपनियां जिहां दे विच एवें गल्लां करके इधरलियां उधरलियां मार के नहीं तुसीं भरमा सकदे। हाँ कुछ हुंदे ने इशूज़, मान लो डीमोनेटाइजेशन दा इशू है, उहदी बारीकी सानू ना भी पता होवे पर झली तां है ना, असीं कतारां 'च तां लगे मरे तां है ना, ब्याह तां साडियां कुड़ियां दे पोस्टपोन होणे पै गए जां रोकणे पै गए, बीमारां दा इलाज साडा रुकिआ ना। तुसीं इहनूं इह नहीं कह सकदे कि असीं उहदी टैक्नीकैलिटी नहीं जाणदे, टैक्नीकैलिटी नहीं, उहदे प्रैक्टिस जो आउंदा है उह तां असीं झेल रहे हां। और जदों तुसीं झेल रहे हुंदे आ तां फिर तुसीं जिन्ना मर्जी सियाणा लीडर होवे, उह प्राइम मिनिस्टर होवे, उह कोई भी होवे, वो जो बोलेगा तो लोग उन्हें रिलेट करनगे। और रिलेट होया नहीं जसवीर कित भी, दैट्स वाई कि साड़ी लीडरशिप नैचुरली विरोधी तेरा, तो आम आदमी पार्टी भी बोलेगी, सिद्धू होरी भी बोलणगे। और कल भी असी गल की सी, समझ सिर्फ ये नहीं आन डई भी भाई वो उत्ते नरेंद्र मोदी होर के उत्ते होए हमले का जवाब भाजपा की लीडरशिप तो कोई नहीं दे रही, पर हरसिमरत बादल जरूर दई आ, मतलब अगे आ गई है कदमी। और वह भी मतलब जिमें बीबिया मेहने दिदिया होंगे कि जे सेंटर का इन्ना नहीं है तुम्हें लगता प्रभावशाली, भाई तेनों नहीं पता तू किसानी परिवार के विचों ही है, तेनों नहीं पता की किया उन्होंने, और तुसी इन्ना मतलब हो गया सेल्फिशनेस इन्नी स्वै केंद्रित अकाली दल नहीं पता ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਨਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਣੀ ਆ। ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅਕੜਾਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ 180 ਹੈ, 20 ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕਦੇ ਜੀ।